यूपी में भी नौकरी नहीं है लेकिन हो सकता है भविष्य में एक दो साल में आने की संभावना है। यूपी में नौकरी नहीं है भैया, अभी तो वहाँ मंदिर बन रहा है सिर्फ, खाली मंदिर का काम हो रहा है। अभी तो यहाँ बाहर है, जजे है। यूपी से बिहार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार में पढ़ाना, पढ़ा के बताएंगे ना हम लोग यहाँ कैसा लगेगा। नौकरी का कोई पूछताछ नहीं करता है वहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है नौकरी की तो यहाँ। अभी देखिए टीआरई बनाया, टीआरई 2 आया, 3 भी आने वाला है। बिहार में है तो बिहार तो अच्छा ही लग रहा है सर। यूपी से? अभी यूपी से। यूपी में कहाँ? यूपी में गाजीपुर से। बहुत अंतर नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बिहार के लिए आज एक बड़ा दिन है। आज शिक्षा विभाग में 1,00,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। और देखिए किस तरीके से बसों में भरकर शिक्षक अभ्यर्थियों को लाया जा रहा है और गांधी मैदान में इनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। ये गाड़ी जो है वो जिला देखिए पूर्वी चंपारण मोतिहारी से ये बस जो है वो आई हुई है और ये बस पूरी तरीके से तैयार है। और देखिए इसमें शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो भरकर लाए जा रहे हैं और वो सब यहाँ से जाएंगे और गांधी मैदान जाएंगे, वहाँ पर उनको नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? 1,00,000 नौकरी लगातार बढ़ रहा है शिक्षा विभाग में, तो खूब नौकरी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? जौनपुर से, यूपी। जौनपुर यूपी से? जी सर। तो यूपी और बिहार में कैसा, क्या बहुत अंतर नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा कैसा लग रहा है, योगी जी या नीतीश कुमार? जी योगी जी या नीतीश कुमार, नौकरी कौन दे रहा है? अरे सर अभी तो यहाँ बाहर है, नीतीश कुमार जजे हैं। अभी नीतीश कुमार नौकरी दे रहे हैं? बहुत। आप लोग कहाँ से आए? यूपी से आए हैं? हाँ यूपी से आए हैं। अरे यूपी से बिहार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यूपी में भी नौकरी है? अभी तो वहाँ मंदिर बन रहा है सिर्फ, खाली मंदिर का काम हो रहा है। नौकरी का कोई पूछताछ नहीं करता है वहाँ पे। कैसा लग रहा है नीतीश कुमार? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा। कहाँ से आए हैं सर? यूपी से। अभी यूपी से आए? यूपी में कहाँ से? गोरखपुर से। गोरखपुर से? अरे आप तो योगी जी के यहाँ से आए हैं, तब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नौकरी बिहार में मिल रहा है? लोग कह रहे थे कि बिहार में नौकरी नहीं है, अब बिहार में नौकरी मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है नौकरी की तो यहाँ। अभी देखिए टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, 3 भी आने वाला है। तो जो लोग लगातार शिक्षा विभाग में नौकरी मिल रही है, पहले 1,20,000 से अधिक, अब 1,00,000 नौकरियाँ जो है। उम्मीद था कि बिहार में इतना नौकरी मिले? नहीं ये उम्मीद तो नहीं था, लेकिन अभी नहीं। आप कहाँ से आए हैं सर? यूपी से सर। अभी यूपी से? यूपी में कहाँ से? यूपी में गाजीपुर से। गाजीपुर से? अच्छा ये पूरा बस यूपी से आ रहा था क्या आप? नहीं बस यूपी से नहीं, गाजीपुर से ही। अच्छा, मतलब कि यहाँ पूर्वी चंपारण से। पूर्वी चंपारण से आप लोग यूपी से आए? बिहार में पढ़ाइएगा कैसा लगेगा? बिहार में पढ़ाना, पढ़ा के बताएंगे ना हम लोग यहाँ कैसा लगेगा। बिहार के बारे में बहुत सारी बातें कही गई कि बिहार में बाहर है, मतलब नीतीश कुमार है, कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार है। अब कैसा लगा? ऐसा कैसे कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अच्छे से नौकरी पाई ईमानदारी से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यूपी में नौकरी है कि नहीं? यूपी में भी नौकरी नहीं है लेकिन हो सकता है भविष्य में एक दो साल में आने की संभावना है। एक दो साल में आने की संभावना है। चलिए और भी लोग हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला? यूपी से आए हैं? नहीं मैं पिताजी वहीं ड्यूटी करते थे प्रयागराज में। अच्छा, अच्छा। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई वही प्रयागराज में हुआ है। हाँ, हाँ। लेकिन जो पैतृक गांव है ये मधुबनी जिला में लोहना गांव है। कैसा लग रहा है कि आपके राज्य में नौकरी मिल रही है? हाँ अच्छा लग रहा है। दादाजी यहाँ से गए थे बिहार से। अच्छा, अच्छा। हमारा हमारा वहीं पर घर खरीद लिए बिहार। आप कहाँ से आए सर? सर मेरा घर मोतिहारी पड़ेगा जी। यूपी से आए क्या? नहीं नहीं मेरा बस बिहार। कैसा लग रहा है बिहार में नौकरी? बिहार में है तो बिहार तो अच्छा ही लग रहा है सर। हाँ बिल्कुल। और भी लोग हैं वो देखिए हाथों में। अच्छा ये क्या है, ये पहले से ही नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है क्या? भैया 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 अच्छा अच्छा ये बताइए ना कहाँ से आए हैं आप? रोहतास से। रोहतास से? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। लगातार नौकरियाँ मिल रही है ना? जी सर। क्या नाम? सुनील कुमार। जी सुनील कुमार। सुनील कुमार जी नौकरी मिलेगा आज? नए साल में नई उमंग। और ये देखिए ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है बीपीएससी का एग्जाम देकर क्वालिफाई किए हैं और ये जी और ये जो है वो यूपी से आ रहे हैं। यूपी से बसे भर भर के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, उनको बिहार में नौकरियां दी जा रही है। ये एक बड़ी बात है कि यूपी में नौकरी नहीं है भैया, नौकरी तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में है और बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नौकरी दे रहे हैं। तो देखिए और भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।